हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल किचन। मैं शमीम पटेल। आज मैं रमज़ान स्पेशल स्टार्टर बनाऊंगी, चिकन गार्लिक मायोनीज फिंगर। तो आइए इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लें। 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, अगर आप विथ बोन भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 100 ग्राम्स छोले चना बॉईल किया हुआ, 2 टेबल स्पून बटर, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 कप मायोनीस, नमक स्वाद अनुसार, 4 क्यूब चीज, इसे हमें क्रश कर लेना है, 4 स्लाइस ब्रेड, इसे भी मिक्सर में क्रश कर लेना है, 2 टेबल स्पून स्प्रेड चीज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। चिकन में अदरक लहसुन पेस्ट, नमक और थोड़ा पानी डालकर चिकन को बॉईल कर लेंगे। ये हमारे चिकन बॉईल हो गई है, इसके मैंने रेसे कर लिए हैं इस तरह से। ये छोले चना को मैंने बॉईल किए हुए छोले चना को मिक्सर में क्रश कर लिया है, ब्रेड स्लाइस को मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है और चीज़ को मैंने क्रश कर लिया है। तो हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। पैन में बटर गर्म करेंगे, इसमें चॉप लहसुन और चॉप की हुई ग्रीन चिली डालेंगे और थोड़ा भूनेंगे। ये हमारा ग्रीन चिल्ली और लहसुन थोड़ा सौते हो गया है, तो हम इसमें मायोनीज 1 कप मायोनीज, स्प्रेड चीज, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, शक्कर, फ्रेश क्रीम, सबको थोड़ा सौते करेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और बॉईल की हुई चिकन जो हमने रेसे करके रखी हुई थी वो डालेंगे, छोले चना क्रश किया हुआ थोड़ा सौते करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से सौते हो गया है, वो हम गैस बंद कर देंगे। इसमें क्रश की हुई स्लाइस ब्रेड, हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, चीज क्यूब चीज जो हमने क्रश करके रखी हुई थी वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, व्हाइट पेपर पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसे लंबी फिंगर की शेप में बना लेंगे। हाथों में थोड़ा ऑयल लगाएंगे, इस तरह लंबी फिंगर की शेप में बना लेंगे। इसकी कोटिंग के लिए फेटे हुए अंडे, ब्रेड क्रम्स को हम पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। इसी तरह हम सारे फिंगर को अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। इस चिकन मायोनीज फिंगर को डीप फ्राई कर लेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें फिंगर को डीप फ्राई करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। ये हमारी फिंगर डीप फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह सारी फिंगर को डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन गार्लिक मायोनीज फिंगर रेडी है। मैंने इसे गर्मा गर्म लेमन स्लाइस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।